हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो भी आप लोग को दिवाली की छुट्टियां मिली हैं, इसको बर्बाद मत करो, इसका फायदा उठाओ। और कैसे आप फायदा उठाओगे, कैसे पढ़ाई करोगे, इससे अपना बैकलॉग कैसे कवर करोगे और आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि जितने भी टॉपर होते हैं आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, चाहे वो एंट्रेंस हो या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, दिवाली के टाइम पे ही वो लोग पढ़ाई शुरुआत करते हैं। और दिवाली के टाइम पे ज्यादा पढ़ाई करके जो थ्रेशोल्ड मिलता है ना, वो दिवाली के टाइम पे मिलता है और इस टाइम पे पढ़ के वो आगे निकलते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। और आज के दिन हमारे भारत देश में जितने भी परिवार हैं, सभी के घर के लोग जो हैं वो एक दूसरे को हैप्पी धनतेरस कहते हैं। धनतेरस की लाख लाख शुभकामनाएं। और इसमें हम लोग भगवान से विश करते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन आए, बहुत सारे पैसे वाले बने तुम लोग, सभी के घर में खुशियां आए, माता लक्ष्मी तुम सबके घर में आए और तुम सबको वरदान दें कि तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो। तो मैं भी तुम सबको हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की शुभकामनाएं कहता हूं और तुम सब एकदम अच्छे से खुशहाल रहो और बहुत आगे बढ़ते रहो और बहुत सारी सक्सेस की हाइट्स को अचीव करो और बहुत आगे जाओ। लेकिन यार, सक्सेस के हाइट्स को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कर रहे होगे तभी, अच्छी मेहनत तभी करोगे जब दिमाग रहेगा, और दिमाग तभी आएगा जब पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग जीरो हो जाएगी तुम्हारी। तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। आज की लर्निंग कल की अर्निंग बनाएगा। आज कुछ नहीं पढ़े रहोगे तो कल कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, अपने घर में अपने फैमिली से रिलेट कर लो। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे रिलेशन में कोई बंदा जो सबसे आगे होगा इस वक्त इन द टर्म्स ऑफ मनी वेल्थ, तो वो बंदा पक्का पढ़ा लिखा होगा। या फिर कोई ऐसा होगा जो बिजनेस कर रहा होगा, यानी कि उसके पास माइंड है। हो सकता है साइंस का माइंड ना हो, बट माइंड है। और दूसरा बंदा जैसे कोई बड़ा डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई MBA मैनेजमेंट सिस्टम या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर पढ़ाई लिखाई करके वहां तक पहुंचा होगा। तो पढ़ाई में बहुत दम है, जो पढ़ लेगा, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अब अपने आजू बाजू देख लो। और वही बंदा पीछे है जिसको कुछ नहीं आता। गरीब तुम्हारे एरिया में बहुत से गरीब भी होंगे, गरीब इन द सेंस गरीब कोई नहीं होता, बट किसके पास थोड़े से कम पैसे होंगे, तो वो इंसान थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होगा, ये गारंटीड है। उसको थोड़ा सा बाहर का नॉलेज ज्यादा नहीं होगा, वो थोड़ा सा लो बंदा होगा, ये पक्की बात है। आप प्रैक्टिकली जाके अपने आजू बाजू देख लो। इसलिए कहता हूँ पढ़ ले बेटा, बहुत आगे जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो फिर इधर ही रह जाएगा, जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। तो डू नॉट वेस्ट योर दिवाली वेकेशन और इसका फायदा उठा लो। इस समय का जिसने फायदा उठा लिया वो जीवन में बहुत आगे जाएगा, उसको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ेगी। और मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने दिवाली वेकेशन को अच्छा खासा बना सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि अपने दिवाली वेकेशन का फायदा कैसे उठाना है। सबसे पहली बात है कवर योर बैकलॉग। सबसे पहली बात तो ये है कि कवर योर बैकलॉग्स। देखो यार, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आधे बच्चों को यही नहीं पता कि मुझे अचीव क्या करना है। अरे पहले अपना प्लान बनाओ कि तुम्हें क्या पाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी चार सब्जेक्ट में से, या तो तीन तीन होंगे या चारों होंगे, जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें फिर तुम्हें कितने पढ़ने हैं, कितने चैप्टर तुम्हारे पढ़ के हो गए हैं, तुम्हारे कॉलेज वाले, तुम्हारे ट्यूशन वाले और तुम्हारे यूट्यूब के टीचर्स का पढ़ा के कितना हो गया और तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं भैया मेरा 7 चैप्टर पढ़ के हो गया, भैया मेरे सेमेस्टर में 12 चैप्टर आए थे, भैया मेरा 3 चैप्टर पढ़ के हुआ, भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं गोटियां खेल रहा था, तो मैं अब क्या करूं? एक बात बताता हूं, अपने को पहचानो पहले। हम दूसरों पे ध्यान देते हैं। हमारे घर में एक मेहमान आए हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम खुद के सुख में सुखी नहीं हैं, हम दूसरे के सुख में दुखी हैं। यानी कि दूसरे फ्रेंड का कितना पढ़ के हो गया, ज्यादा पढ़ के हो गया जो तुम दुखी हो कि यार उसका ज्यादा पढ़ के हो गया, मेरा कम पढ़ के हुआ है। लेकिन तुम खुद का तुम्हारा कितना हुआ है तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज के टाइम पे। और यही मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि यार सबसे पहले तुम खुद को देखो कि तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है। कहने को तो तुम दूसरे को भाई मेरा भी 5 चैप्टर पढ़ के हो गया, वो बोलेगा वाह यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तुम्हारी क्रश के सामने थोड़ा सा सिंपथी मिल गई तुमको। लेकिन यार ऐसे नहीं करना है, खुद को पहचानो। देखो एक पॉइंट पे समझो चीजों को कि एग्जाम में वही लिखोगे जो याद रहेगा, तो इससे अच्छा लिखने में कम ध्यान दो और लर्निंग में ज्यादा ध्यान दो।
क्योंकि चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, एमएसटी सीटी एंट्रेंस हो, इंजीनियरिंग के कोई और एग्जाम हो, या मेडिकल के कोई और एग्जामिनेशन हो, या बोर्ड एग्जाम हो, क्लास 11, 10, 9, कोई भी आज तक की परीक्षा हो, लिखोगे वही जो याद रहेगा, आंसर वही दोगे जो याद रहेगा। तो लर्निंग में ज्यादा ध्यान देना है, लर्निंग यानी कि मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तुम जब आंखें बंद करो तो अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया कि डिराइव एंड डिस्क्राइब विद नीट लेबल डायग्राम पैरेलेक्सिस थ्योरम ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर, तो आंख बंद करते ही सीधा पैरेलेक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन, उसकी थियरी, उसकी प्रॉपर डायग्राम, लास्ट में कंक्लूजन, पूरा तुम्हें आना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल अगर बोल दे तो देखते ही तुमको उसका फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मार्क्स 40-50% आएंगे, जिसमें से तुम्हें कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में कहोगे प्रशांत भाई डिमोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट नहीं, तुम्हारी औकात दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, बुरा मत मानना तुम, ठीक है। और जो इंसान सच बोलता है वो कड़वा जरूर होता है, उसका साथ दो, वही तुम्हें जीवन में आगे ले जा सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो खुद से पूछो कि प्रशांत भाई जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या, क्या तुम्हें सच में सब कुछ लर्निंग है, आंख बंद करते ही क्वेश्चन याद आते हैं? अगर नहीं आते तो तुम रॉन्ग ट्रैक में हो बेटा, इस बात को समझ लो, अपने माइंड में बिठा लो, तुमको कोई भी नहीं उठा सकता जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे। तो कवर योर बैकलॉग। इस वक्त तुम्हें लगता था कि तुम्हारे 3 चैप्टर पढ़ के मैं तुम्हें 5 और करने, बेटा पहले वो 3 को कन्फर्म करके सच में तुझे आता है। जब तुमने उस चैप्टर को कन्फर्म कर लिया कि हाँ तुम्हें अच्छे से याद है, तुमने अच्छे से उसको कन्फर्म कर लिया, तब जाके तुम्हें आगे के चैप्टर पढ़ने शुरू करने हैं। तब जाके जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे अब तक सिर्फ 4 चैप्टर पढ़े, यार कुछ ऐसे बुढ़वा होंगे जिनके अब तक 4 भी पढ़ के नहीं हुए होंगे कुछ ऐसे पब्लिक होगी इधर पे जिसके 4 चैप्टर भी ढंग से अभी पढ़ के नहीं हुए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसका किसका 4 चैप्टर भी अब तक पढ़ के नहीं हुआ है। अरे शर्माओ मत, शर्म खाओगे क्या मिलेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा अगर बताओगे तो। और एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए उसके ऊपर भी कमेंट करो कि हाँ भैया हमें टाइम टेबल भी तो दिवाली वेकेशन के लिए, तो मैं वो भी बना के दे दूंगा। अपनी अपनी छुट्टियां बताओ, कितने कितने दिन की तुम्हें छुट्टी मिली है वो बताओ, तब जाके मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी। तो जितनी भी चीजें सब कमेंट में फटाफट बता दो कि तुम्हारा कितना पड़ गया, कितने दिन का दिवाली वेकेशन है, उस हिसाब से मैं एक टाइम टेबल तुम्हें दे दूंगा उतने दिवाली वेकेशन का, डोंट वरी। तो पहले कन्फर्म करो कि तुम्हारे कितने चैप्टर पढ़ के हुए हैं, एक बार जब कन्फर्म हो जाएगा तब तुम आगे बढ़ो, आगे के चैप्टर तभी तुम्हारे को पढ़ने का हक है। अरे भाई पहले का नहीं आता आगे कैसे करोगे। चलो एक वैसे मोटा मोटी डरा नहीं रहा हूं, बट एक बात बता दूं कि जिस तरीके से आज ये अक्टूबर महीना चल रहा है, इस अक्टूबर महीने के अंदर जैसे भी तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट के मिनिमम 8-9 चैप्टर तुम्हारे पढ़ के हो जाने चाहिए। अगर तुमको 90% प्लस जाना है तो 10-12 चैप्टर तुम्हारे पढ़ के इस वक्त होने चाहिए, क्योंकि जो दिसंबर महीना होता है दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारा सिलेबस पढ़ के दिसंबर में खत्म नहीं होता है तो तुम कभी भी 90% नहीं ला सकते, ये मेरा वचन लिख के रख लो तुम लोग, कहीं भी बुरा मत मानो बट सच कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद 93% लाया, मुझे पता है कैसे लाना होता है। तो ये बात आप ध्यान रखो अच्छी चीज। दूसरी बात, तुम्हारा जैन महीने में और फेब महीने में तुम्हारा सिर्फ रिवीजन, मैराथन लेक्चर और वन शॉट सीरीज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली सीरीज, वो सब चालू होती है और उस पर तुम्हारा सिर्फ ध्यान होना चाहिए। और दिसंबर में तुम पढ़ना शुरू करते हो जब तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम की टाइम टेबल आती है, टाइम टेबल तो वैसे भी आ गई, 22 तारीख से पेपर है फरवरी में बोर्ड का, तो तब तो तुम उठते हो। तो यार मेहनत करना सीखो, ये बात जरूरी है तुम्हारे लिए, तो टाइम वेस्ट मत करना, दिवाली के पड़पड़ी पड़ाकों पर ध्यान मत दो। क्लास 12वीं और क्लास 10th के लिए किसी भी बच्चे को दिवाली नहीं है इस साल, अगले साल फिर आएगी, फिर एंजॉय करना दिवाली, बट इस साल तुम्हारे लिए दिवाली नहीं है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि दिवाली पे इस साल फोकस मत करना, बहुत जरूरी बात बता दिया। जो फोड़ता है फोड़ने दो, सिर्फ अगर एंजॉय करना भी है तो सिर्फ जिस दिन 24 है उस दिन थोड़े से घर में पूजा होगी तुम्हारे, या तुम्हारे दोस्त होंगे और कोई भी होंगे, नॉन रिलीजन वाले बंदे भी हमारे साथ बहुत से करते हैं ऐसा बंदे, अभी बहुत से यहाँ पे बच्चे होंगे बोले हम मोमेडियन है तो हम तो नहीं फोड़ते, यार ऐसा कुछ नहीं होता, कितने सारे मेरे फ्रेंड है सब इंजॉय करते हैं एक साथ में, हमारी पूरी सोसाइटी में सब साथ में रहते हैं, ये मिसाल है। वो पॉलिटिशियंस का बात छोड़ देने का, वो लोग सिर्फ वोट पाने के लिए कुछ भी भड़काते हैं, उनका बात नहीं सुनने का, ठीक है। तो सब मिलके, तो मैं सभी इंडिया के बच्चों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारे लिए एक एक समय बहुत ज़रूरी है।
अपने इस टाइम को बर्बाद मत होने देना, वरना जिस तरीके से अभी तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ के हुए हैं और वो भी ढंग के नहीं हुए, वो भी आगे नहीं होंगे और तुम एग्जाम के दिन पछताओगे कि तुमने टाइम वेस्ट क्यों किया। तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारी पूरी सोसाइटी, घर, मम्मी पापा सब तुमसे रिजल्ट के दिन पूछेंगे तुम्हारा कितना रिजल्ट आया। और ऑब्वियसली बात है यार, तुम 12वीं में हो तो पूछेंगे ही ना यार। हाँ वो बात अलग है, कुछों में बच्चों में एटीट्यूड होता है कि परसेंटेज क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। अरे भाई जब कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और 1,00,000 रुपए फीस भरनी पड़ेगी जब डिग्री कॉलेज की, तब तेरे दिमाग में अकल ठिकाने लगेगी, वरना पढ़ाई छोड़ दे, फिर पढ़ना लिखना छोड़ के बस। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बात ध्यान रखो, फिर या तो फिर पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, या तो फिर मजे भाई। हाथ में चप्पल और पैर में एप्पल। नहीं नहीं ऐसे नहीं। पैर में चप्पल, हाथ में एप्पल, आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 रुपया किलो वो वाले की बात कर रहा हूँ। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात ध्यान रखो। तो पढ़ाई करने में प्लीज ध्यान दो। अब तुम्हारे लिए एक एक टाइम इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे घर में मेहमान आएंगे, वैसे दिवाली में कोई मेहमान एक दूसरे के घर जाता नहीं, अपने अपने घर में सब पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे से तुम्हें मेहनत करनी है, फोकस करना है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले क्या करो, जितना भी तुम्हारा एक प्लान बनाओ रिवाइज करने का, सबसे पहले एक प्लान बनाओ। उस प्लान में तुम्हें क्या करना है, प्लान में अच्छा एक काम करो, सिर्फ सबसे पहले एक प्लान बनाओ और इस प्लान के अंदर क्या करो, इस प्लान के अंदर क्या करो कि जितना अब तक तुम्हारा दिवाली वेकेशन का प्लान होगा, ये सिर्फ दिवाली वेकेशन, क्योंकि तुम इस वक्त तुम कम से कम 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हो, 12 घंटे भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो प्लान बनाओ, इस प्लान में सबसे पहले तुम रिवीजन का प्लान बनाओ कि अब तक जो तुम्हारा पढ़ के हुआ, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम अच्छे नहीं गए होंगे वो मैं जानता हूँ, तो जिस तरीके से सेमेस्टर अच्छे नहीं गए वैसे बोर्ड भी अच्छा नहीं जाएगा अगर अभी नहीं पढ़ोगे। तो रिवीजन सेमेस्टर में तुम्हारी क्या गलती हुई, सेमेस्टर में तुम्हारे को कौन से क्वेश्चन नहीं आते थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे वो तुम्हें नहीं आते थे, उस चीज को पहचान लिया तुमने। देखो जो समझ रहा होगा मेरी बातों को, सुन रहा होगा, ए भाई सुन इधर ध्यान से, सेमेस्टर एग्जाम जब तुम दे रहे थे तो क्वेश्चन पेपर तो होगा ही हाथ में, तो कौन से क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चन किस लेवल का था, कौन से टाइप का क्वेश्चन था वो जो तुम्हें नहीं आ रहा था, कैसा क्वेश्चन है वो, तो वो चीज पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। पहली बात क्लियर हो गई मैं जो बता रहा हूँ, पहली बात ध्यान रखो। चलो दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी अब वीकनेस क्या है, तो तुम्हें याद रहेगा कि अब भाई मुझे रिवीजन अच्छे से करना है। कुछ कुछ तो ऐसा रहा होगा जो क्वेश्चन आता है तुमको वो क्वेश्चन भी उधर भूल गया रहेगा, या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन के अच्छे से याद तो रहे होंगे बट आंसर नहीं आया होगा, डेफिनेशन भूल गई होगी, ऐसा सब बच्चों के साथ होता है, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ, ठीक है। तो वहां पर जब ऐसा हुआ होगा तुम्हें क्या ध्यान देना है कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हें तुमने तो कह दिया कि मैंने पढ़ लिया तो नहीं होता, न्यूज़पेपर भी इंसान पढ़ लेता है बट सब कुछ न्यूज़पेपर का याद नहीं रहता सबको, वैसे पढ़ते हो, रीडिंग थोड़ी करना है, लर्निंग करनी है, ठीक है। तो अब तुमको वापस उस चीज़ को रिवाइज करना अच्छे से कि उस चीज़ को पहले कवर कर लो, जब वो चीज़ कवर हो जाएगी तो प्लान करो कि तुम 12 घंटे की तुम्हें स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। जो टॉपर लड़का है 12 घंटा, एवरेज बच्चा 6 से 9 घंटा बनाएगा तो भी चलेगा। समझ रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, एवरेज बच्चा 6 से 9 घंटे का भी टाइम टेबल बनाएगा तो भी इट इज फाइन, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो रिवाइज करने के बाद देन जाके तुम्हें नया स्टडी का प्लान बनाना है। मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन भी अगर तुमने सारे सब्जेक्ट को दिया ना रिवाइज करने को, मतलब शुरू शुरू में रिवीजन ऐसे ही जैसे आज तुमने पूरा फिजिक्स रिवाइज मार ले, रिवाइज मारने में 1 दिन तो ज्यादा ही है। अब अगर तुम बोर्ड एग्जाम के जिस दिन जाओगे उस दिन तो पूरे 15 चैप्टर रिवाइज करने पड़ते हैं, जितना पढ़ा सब रिवाइज करना पड़ता है। तो एटलीस्ट अभी एक ऐसा समझो कि बोर्ड एग्जाम ही है, तो 1 दिन में पूरा रिवाइज करके फिजिक्स खत्म करो, 1 दिन में केमिस्ट्री, 1 दिन में बायो, मैथ, जो भी रहेगा सब सब्जेक्ट। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी ध्यान देना शुरू करो, इंग्लिश ज्योग्राफी में भी अब थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, वरना परसेंटेज डाउन कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता 12th में, 10th में रहता है। तो रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद स्टडी नया प्लान बनाओ, मतलब 12 घंटे का, 10 घंटे का, 9 घंटे का बढ़िया प्लान बनाओ, मस्त व्यवस्थित, कहीं और ध्यान नहीं देने का, पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है, ऐसा प्लान बनाओ। सुबह इतने बजे खाना है, उठना है, रात को इतने बजे सोना है, इतने बजे ही उठ के पढ़ाई करनी है, वेकेशन में कहीं नहीं जाना है, सबको घर में घूमने जाने तो हम तो घर में बैठ के पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, हम अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। एंटरटेनमेंट तुम्हारा प्रशांत भाई खुद यूट्यूब चैनल के वीडियो में करवा देता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद करवा देता हूँ, तो वहीं एंटरटेनमेंट करेंगे हम, एंटरटेनमेंट भी पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो स्टडी में ध्यान देना है, प्लान बनाओ, मैं इसका टाइम टेबल क्या होगा, अगर तुम अपनी दिवाली वेकेशन बता दोगे ना
कि ट्यूशन की छुट्टी कितनी है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी कितनी है, तो मैं एक टाइम टेबल तुरंत तुम्हें कल ही दे दूंगा मैं, ठीक है? तो फटाफट मुझे बता देना तो मैं कर दूंगा। और तुम्हारा लोकेशन क्या है वो भी मुझे बताना, कहाँ रहते हो और टाइम टेबल कितने दिन की छुट्टी है बता देना, टाइम टेबल दे दूंगा, ठीक है? तो ये तुम्हें प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग कम से कम दिवाली वेकेशन में तुम्हारे 4 से 5 न्यू चैप्टर पढ़ के हो जाने चाहिए। 10 दिन 15 दिन की छुट्टी तो मिनिमम सबको होती ही है, तो कम से कम 4 से 5 नए चैप्टर तुम्हारे पढ़ के हो जाने चाहिए, मिनिमम 4 से 5 चैप्टर, क्योंकि इतने घंटे की जब पढ़ाई करोगे तो इतना हो जाएगा। और अगर तुमने इतना कवर कर लिया ना मेरी जान, तो तुमने सब कवर कर लिया जो तुमने अप्रैल मई जून वेस्ट किया था ना। अप्रैल से बच्चे पढ़ाई करते हैं 12th की, 10th की भी, ठीक है? तो अप्रैल मई जून जुलाई जो टाइम था ना, ये जो तुमने वेस्ट कर दिया था वो यहां कवर टॉप कर दोगे तुम नवंबर दिसंबर वाले बंदे बन जाओगे, और नवंबर दिसंबर में तुम्हारा सब हो जाएगा। अरे भाई, अगर 4 चैप्टर भी पहले आता है, 5 कवर कर दिया, जैसे 9 चैप्टर पढ़ के हो गया, 80% का बंदा बन गया तू, समझा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं जो कह रहा हूँ प्रैक्टिकली बात करता हूँ, कुछ घुमा की बातें नहीं, जो सच है कड़वा है लेकिन बता दिया मैंने। पहले प्लान बनाओ, 10 से 12 घंटे का प्लान बनाना है, मस्त घाच की पढ़ाई करनी है पूरा दिन रात बराबर मेहनत करके, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाने का, लगातार 12 घंटे नहीं बैठने का, वरना पिछवाड़े में ठेठ के पड़ जाएंगे, ठीक है? तो 12-12 घंटे में 3-3 घंटे का स्लॉट बनाने का, रिवाइज करने का, पहले 3 दिन का तो प्लान रिवाइज करने का बनाओ, रिवीजन जब हो जाएगा तो आगे के चैप्टर पढ़ना शुरू करो। आसान चैप्टर पहले पढ़ना, नए वाले फिर हार्ड चैप्टर पढ़ना, मतलब कोई भी 5 चैप्टर कवर करो, आसान आसान चाहे तो नया नया, बट 5 चैप्टर कवर करने का, लेकिन जो पहले से पढ़ा उसको नहीं, नए चैप्टर पहले से वाले को रिवाइज करने का है, उसको और अच्छा पक्का मजबूत करना उस चैप्टर को। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान रखो, तो अभी तुम्हें नया चैप्टर स्टडी करना है अच्छे से और मस्त आगे बढ़ना है, तो और बैकलॉग भी कवर हो जाएगा आगे जाओगे। तो जो बच्चा टाइम पास करेगा दिवाली की छुट्टी में, वो बाद में पक्का पछताएगा, 110% पछताएगा। मैं कह दिया तो कह दिया, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, ध्यान रखो इस बात को, चाहे बुरा मानो हंसते रहो, तुम भगवान हो तो बात अलग है, भगवान तो ऐसा रोबोट, पिक्चर में रोबोट देखा मूवी, कुछ कुछ खत्म, याद हो गया। तो वो अगर तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी है तो फिर बात अलग है भाई, इंडियन पब्लिक कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो चलो बात खत्म, ध्यान रखो इस चीज को, और यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें बताते रहता हूँ, और थैंक यू सो मच। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को भेजना, अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ वैल्यू तुम्हारे लाइफ में ऐड की है, तुम्हें मैंने कुछ बताया है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें किस तरीके की हेल्प चाहिए, मैं सब करूंगा। और हाँ, एक खुशखबरी, हमारा एप्लीकेशन भी आने वाला है जल्दी, जिसमें मैं फ्री टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, मतलब बस इसी दिवाली वेकेशन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू अ लॉट, टेक केयर।